Welcome back to my channel. एक गाँव दीदी की शादी में तो सब लोग रेडी हो चुके हैं। यहाँ से हमें गाँव जाने कर्नाटक को। आप तो मेरे पिछले वाले व्लॉग में मैं तो मेरे मम्मी के गाँव गई थी, अभी इस बार मेरे पापा के गाँव, मेरे मतलब मेरे खुद के गाँव जा रही हूँ। तो मैं बनते रहना मेरे पूरे व्लॉग में। हाँ तो चलो चलते हैं गाँव। गाँव की जर्नी दिखाती हूँ मैं आपको। पप्पा एकदम पीछे। हाय तो कर। ओ पप्पा हाय करना। हाँ दोनों हाथ में लगे थे ना, इसके लिए हाय नहीं कर सकते। मम्मी भी वजन पकड़ी है, मेरा भाई भी अच्छे से। कल्याण स्टेशन पहुँच गए, हमारी ट्रेन अभी आए गए, टाइम हो गया है तो चलो ट्रेन में जाके आपको दिखाते हैं। गाइस हम लोग ट्रेन में बैठ चुके हैं। ट्रेन तो अभी गर्दी नहीं है, क्योंकि रोज रिजर्वेशन किया था हमने, सीट भी बुक हो चुका था, कंफर्म भी हुआ है। तो ये तीनों सीट हम लोग की है, एकदम मस्त बैठे हम लोग। हमें मेहंदी निकाल के दे रही है, क्योंकि वह गाँव जाके हमें टाइम नहीं मिलेगा, इसके लिए ट्रेन में इन्होंने मेहंदी का कोर्स किया है। दीदी मेरे मेहंदी निकाल के दे रही है, मैंने निकाला मेहंदी और दीदी की निकाल के दे रही है मुझे। शाहबाद स्टेशन आए, इसके बाद नहीं, और दो तीन स्टेशन बाद हमारा स्टेशन आएगा। सुबह सुबह अभी उठे। मेहंदी दिखा मेहंदी। वाह मेरी मेहंदी, वो दीदी ने निकाला मुझे और ये मैंने। हाय कर। हैदराबाद दादर है। दादर उतर चुके हैं हमारे स्टेशन पे, यादगिरी स्टेशन पे। अभी लगेज लेके जाना है या हमारी ट्रेन है, तो चलो चलते। बस स्टेशन जाना पड़ेगा, चलो। हाँ मम्मी सब जा रहे हैं आगे, मैं पीछे ही हूँ। जा रहे रिक्शा में बैठे हम सब लोग। चलो गाँव आके आपको हमारे गाँव का घर दिखा रहे हैं। घर पे जा रहे हैं, अभी गांव पहुंच गए ना, चलो जाते हैं हमारे घर पे। ये घर होते ऊपर जाने अभी। हमारा घर इधर है, ये रहा हमारा घर, ये मेरा भाई। हाय मंदिर जा रहे, घर के भगवान का गुंजला मावा बोलते हैं इधर, उनके देवी के दर्शन के लिए जा रहे हैं निवेद लेके, क्योंकि शादी है ना दीदी की, तो शादी के पहले निवेद दिखाना पड़ता है। चलो मंदिर आगे जा रहे, मैं पीछे हूँ। मेरा गांव आपको कैसा लगा ये जरूर बताना, मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगी मेरा घर कैसा है। गांव का घर मस्त है ना, टीम ऑफ गुट्टा ना। यह हमारा गांव का नजारा, मेरा पप्पा
कितना मस्त है ना। नदी था अभी थोड़ा बारिश में पूरा भर जाता है ये नदी, अभी तो पूरा सूख गया है। हमारे गांव कैसे लगा कमेंट में बताना, अगर कमेंट सेक्शन ओपन नहीं हुआ तो लाइक करना, लाइक मुझे जरूर करना। कितना फास्ट चल रहे हम पीछे सब, ये मेरी बड़ी दीदी है और ये दोनों भाई। कितना अच्छा सीन है, गांव में आके मुझे बहुत अच्छा फील होता है। चलो आगे देखते हैं, मंदिर भी एकदम बहुत ज़्यादा दूर है, चल के जाना पड़ता है, गाड़ी तो वहाँ जाती नहीं, पूरा जंगल ही जंगल और वो साइड खेते, पूरा जंगल। यहाँ ड्रोन कैमरा चाहिए था, बहुत अच्छा आता था। बहुत ज़्यादा दम लगा है, बाप रे बहुत ज़्यादा दूर है। ये ना तुअर का ढाल उगाते ये पत्थर पे, फिर पूरा उधर है, इतना दूर चल के जाना है हमें। दिख रहा है कि मंदिर दिखा तब चलो, दिख रहा नहीं वो मंदिर दिखाती, बहुत दूर है अभी भी, मंदिर उधर है इतना दूर है। उधर भी मंदिर को जाके चढ़ना पड़ेगा, ऊपर ते सीढ़ी चढ़ने पड़ेंगे तभी मंदिर पहुंचेंगे, इतना दूर से चल के आ रहे, बाप रे। थोड़ा हाथ पैर धो के जाएंगे दर्शन के लिए, उतना दूर है, इधर है मंदिर। पहुंच गए, चलो लेते दर्शन और निवेद दिखाते। सभी दार आप दर्शन लेना। अरे यार लॉक है, आप लॉक है, अभी हम लोग यहाँ से दूसरी जगह जा रहे, दूसरी मंदिर। चलो अभी इतना पूरा चलना पड़ेगा, बाप रे। एक तो अभी एक और एक मंदिर पे आए, वहाँ है वो झाड़ के नीचे दिखाती हूँ, वहाँ है मंदिर। लोग वहाँ क्या है, क्या कर, नीम का पेड़ तोड़ रहे वो देखो, गांव के देसी बॉयज। और इधर मंदिर है छोटा सा झाड़ के नीचे, मेरे पापा, मेरा भाई, मेरी दीदी, मेरा भाई और एक और मैं जा रहे ये देवी का दर्शन करके, और अभी मेरे दादाजी की समाधि है ना वहाँ जा रहे। चलो देखते हैं।
काका का खेत है और वहाँ में हमारा खेत है, चलो दिखा दे। और मेरा दादाजी का समाधि वहाँ है, खेत है। हाँ कुछ डाला नहीं है, क्या पता क्या कब डालेंगे। दादाजी की समाधि, तुम्हारा दादाजी नहीं मेरा दादाजी। अच्छा तुम्हारा अपर दादाजी, पर दादाजी बोले, पर दादाजी इसके नीचे है दिए। तो अभी हम लोग घर पे जा रहे हैं, तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आपको अगले व्लॉग में दिखाऊंगी आप हमारा घर कैसा है। ओके बाय, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय।